प्राइस रिलेशन क्लॉज आपको कस्टमर से मांगना पड़ता है, यानी हर महीने जो प्राइस होगी दैट विल डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑफ द प्रीवियस मंथ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर बोलता है कि सही साहब मैं तो नहीं दूंगा प्राइस रिलेशन क्लॉज, आप अपना प्राइस बता दीजिए और सारा हेडेक आपका। तो आप क्या करते हैं, आप एक अपना कंफर्टेबल मार्जिन ऐड करते हैं, देन ओनली यू सेल। जैसे अभी कोविड समय में स्टील प्राइसेस काफी स्केल अप हो गए, 1-2 हो गया। हाँ, मतलब जो 30-40 रुपीज का स्टील था वो 75 रुपीज तक चला गया था। तो वैसे में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड वैल्यू पर है तो कितना भी मार्जिन आपने फोर्सी किया होगा तो वो कम पड़ जाएगा। आप सही कह रहे हैं। तो कई मतलब व्यापार है, व्यापार में मतलब ऑल ऑफ योर आर बिजनेस स्टूडेंट्स, सो देयर इज समटाइम्स यू डू प्रॉफिट एंड देयर आर समटाइम्स व्हेन यू डोंट डू प्रॉफिट। इफ यू आर वेरी बैड इंडस्ट्री देन यू कैन डू लॉसेस आल्सो। We have not done losses in the past many many years, but you can do, जैसा भैया बता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, everything is not dependent upon one order or one product. There are hundreds of orders being executed in this company. इस कंपनी में अभी 5 premises हैं, 5 factory हैं, जिसमें से आपने 2 पुरानी वाली देखी है, बड़ी वाली अपने नहीं देखी। मैं turnover wise बात करूं तो इन दोनों कंपनी का, इन दोनों फैक्ट्री का turnover, पूरी कंपनी का turnover का 10% हिस्सा होगा या 12-15% हिस्सा होगा। जो आप लोगों ने देखा है वो 10% देखा है, 10-15%। लेकिन दूसरे शहरों में या दूर दूर है तो अपन ऐसा सब नहीं देख सकते। तो टर्नओवर वाइज मैं बोल रहा हूँ, तो अब 100-200 ऑर्डर चल रहे हैं अभी कॉन्स्टेंटली कंपनी में। कुछ ऑर्डर ऐसे चल रहे हैं जो 1-2 महीने में एग्जीक्यूट होने वाले, कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो प्राइस रिलेशन क्लॉज के साथ है, कुछ ऑर्डर ऐसे हैं कि यार वो प्राइस रिलेशन क्लॉज के साथ ही नहीं है और आपने कंफर्टेबल मार्जिन ऐड किया था, लेकिन जैसा भैया ने बताया, जैसे सर ने बताया कि वो नुकसान लग गया उस ऑर्डर में, तो उस एक ऑर्डर में नुकसान लग सकता है। बट इफ यू constantly on your toes, constantly thinking, constantly evolving, तो आपको overall नुकसान नहीं लगेगा, किसी में फायदा हो जाएगा, किसी में नुकसान हो जाएगा, तो वो नुकसान को आप भरपाई कहीं और कर पाओ। अच्छा, ये हर तरह की इंडस्ट्री है, जैसे आइसक्रीम की इंडस्ट्री है वो सर्दियों में नहीं चलेगी, गर्मियों में ज्यादा चलेगी। तो हमारी इंडस्ट्री में भी ये है कि ठीक है, बिकॉज योर कस्टमर इज फिक्सिंग द प्राइस बट द रॉ मटेरियल इज वेरिंग, तो किसी साल प्रॉफिट होगा ज्यादा, किसी साल कम प्रॉफिट होगा, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जरा भैया ने बताया कि 1-2 हुआ तो कभी 2-1 भी होगा। Now the company is having strength ki kabhi 1-2 hua to company is able to absorb those less profit oblique losses also. Isme kuch hedging option bhi rehte hain kya available? Nahi. Hedging utna hi hai jitna aap raw material aap khareed ke rakh sako. Utna hi kar sakte hain. So wo that is dependent or that is constrained by the space you have, by the money you have. Aisa nahi ho sakta na ki apan pure jhada order hoga to utna if you have some buying demand for say after 3 months. Yes. So you can buy some contract of 3 months at today's price. Absolutely. मतलब वो भी तरीके हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे साहब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ दूसरी इंडस्ट्री के हिसाब से, कि जैसे शेड कोई बनाता है तो शेड बनाने वाला क्या खरीदता है, एंगल चैनल खरीदता है, किनसे खरीदता है, टाटा से, जिंदल से, उनसे खरीदता है, दो ज्यादा प्रोडक्ट्स वहां पे। आपको एक बार में, जैसे मैंने 3 महीने का एक ऑर्डर लिया, मैं आज ही अगर मैं बुक करना चाहूंगा 3 महीने का तो बुक हो जाएगा, लेकिन हमारे ट्रेड में क्या है, स्क्रैप है, तो स्क्रैप में एक लिमिटेड क्वांटिटी बुक हो पाती है इफ यू वांट टू डू इट डोमेस्टिकली। स्मॉल ट्रेडर्स हैं, मैं आज आपके आके बोलूं कि मुझे 100 कूलर का स्क्रैप दे दो आपके घर से जो निकल, तो आपके पास है नहीं 100 कूलर का स्क्रैप। रोज आपके यहाँ एक कूलर आपके यहाँ से निकला, एक आपके यहाँ से निकला, एक आपके यहाँ से निकला, तो एक फिक्स जनरेशन है एवरी डे। तो सारा बिजनेस स्क्रैप पर ही चलता है जो हमारी इंडस्ट्री है, उसमें 2 मेजर रॉ मटेरियल है, स्क्रैप और फेरोलॉइड्स। स्क्रैप कैन बी इम्पोर्टेड और डोमेस्टिक, बट इम्पोर्टेड कभी कभी पड़ता मतलब बजट में नहीं आता, वायबिलिटी नहीं आती है। ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो कि बिजनेस के लिंगो कह लो, जिसको हिंदी जो हमारा देसी व्यापारी सिस्टम है, पढ़ता नहीं पढ़ना, मोटा माटी, अप्रोक्सीमेट, लेकिन ये मोटा माटी का कैलकुलेशन इतना तगड़ा होता है कि लोग इस पे करोड़ों का डील मोटा माटी के हिसाब पर करते आए हैं। सो जो मैंने पढ़ता वाली बात बोली कि इम्पोर्ट में कभी कभी वायबल नहीं होता है, डोमेस्टिक में वायबल होता है, तो जब डोमेस्टिक स्क्रैप खरीद रहे हैं तो उतना हेजिंग नहीं हो पाता है, वो डोमेस्टिक स्क्रैप का नुकसान है। और दूसरा, उतना ही आप हेज कर सकते हैं जितना आपकी पॉकेट या मनी अलाउ कर रहा है, प्लस आपकी जगह जितनी अलाउ करती है। तो ये इस इंडस्ट्री का नुकसान है हमारी इंडस्ट्री का, कि बहुत ज्यादा हेजिंग नहीं हो सकती है। फिक्स प्राइस ऑर्डर्स हैं, आधे फिक्स प्राइस ऑर्डर्स हैं, आधे विद प्राइस वेरिएशन क्लॉज ऑर्डर्स हैं, दोनों तरीके का। तो जहां फिक्स प्राइस ऑर्डर्स हैं वहां हाई प्रॉफिट या हाई लॉस की संभावना है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ भी जा सकता है उसका, बढ़ता भी, यस बढ़ता है। ये एक शिपिंग डिसमेंटलिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जिसके से काफी स्क्रैप आता था। यस यस, तो स्क्रैप के कई सोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया कि इम्पोर्टेड स्क्रैप आ रहा है, तो इम्पोर्टेड स्क्रैप कैसा आ रहा है, जैसे गाड़ियों का शेड किया हुआ स्क्रैप। अपने इंडिया में अभी गाड़ियां शेड नहीं होती, वो दिल्ली में बढ़िया नई गाड़ी थी, वो जयपुर में मैं खरीद लेता हूँ, फिर जाकर पटना में आप खरीद लेंगे, और फिर जाकर के गांव में कहीं चलेगी, तो इस तरह से गाड़ी हमने तो स्क्रैप ही नहीं हुई। अभी सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है कि इतने साल से पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती है, तो अब इंडिया में भी श्रेडर्स आएंगे,
तो अपन स्क्रैप की क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो श्रेडेड स्क्रैप जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है वो भी है, टर्निंग है, जैसे किसी इंडस्ट्री में मशीनिंग हुई तो मशीनिंग आप देखते हैं छोटा मोटा बुरादा निकल रहा है, तो बुरादा भी अपने अपने स्क्रैप है, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कबाड़ी स्क्रैप मतलब कूलर स्कूटर जो अपने घरों से निकल रहा है। एक भैया ने बताया शिपिंग स्क्रैप जो उन्होंने बोला, तो उसमें क्या होता है जो बड़े बड़े जहाज हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जब उनकी लाइफ पूरी होती है 20 साल 30 साल, तो एक जगह है गुजरात में जो बहुत फेमस है, उसका नाम है अलंग, भावनगर के पास है। तो अलंग में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े जहाज है पूरे वर्ल्ड के, वो वहां जब खत्म हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, 20 साल हो गए, 50 साल हो, पता नहीं कितने साल खत्म हो जाते हैं, तो वहां आकर के कटते हैं, तो कटते हैं, तो वहां पे एक शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, और जो कटता है वो स्क्रैप होता है, वो स्क्रैप भी हमारे यहाँ पे हजारों करोड़ों का जहाज से लोहा निकलता है। लेकिन उसमें अभी जैसे स्क्रैप जो प्रोक्योरमेंट है, इसमें पीछे इंडिया में एक इंसिडेंट बहुत पॉपुलर हुआ था जिसमें कुछ डिफेंस स्क्रैप आ गया था और वो फंडेस में जाकर के ब्लास्ट हो गया था, और आई थिंक भूषण में हुआ था या भूषण। तो ये सही वाक्य सर बता रहे हैं आपके कि स्क्रैप है तो हर तरीके का स्क्रैप आ सकता है। तो उस जमाने में गल्फ एरिया से, जैसे इराक इन कंट्री से स्क्रैप आया था, तो उसमें जो चले हुए गोले होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी क्या करती है, जैसे ये गोला हमसे ले लिया, भरा, चलाया, चला करके जहां पे है तो वो उनको अपने हिसाब से डिस्पोजल करती है। लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, मान लो इराक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उनका डिस्पोजल का कोई सिस्टम नहीं है, खराब कंट्रीज है। तो उन्होंने क्या किया, जो ये स्क्रैप उठाया, ये उठा करके इन्होंने हमारे स्क्रैप में मिक्स कर दिया। अब जो बिजनेसमैन है उसको नहीं पता, मतलब मैं भूषण को डिफेंड कर रहा हूँ, मतलब उसको कह सकते हैं, वो भी एक व्यापारी है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो उसने उसके या उसकी टीम ने स्क्रैप आया और स्क्रैप को उसने भट्टी में डाल दिया और उसमें से कोई एक आध बॉम्ब शेल अनबर्न था, तो ब्लास्ट हो गया था, एंड आई थिंक देयर वाज सम कैजुअल्टी आल्सो एंड देयर वाज अ बिग एक्सीडेंट व्हिच वाज कवर्ड नेशन वाइड। और फिर सारे इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया वाइड, जितनी भी इंडस्ट्री जो स्क्रैप यूज करती है, उनको हिदायत दी गई कि आपके यहाँ ऐसा कोई स्क्रैप है तो आप उसको अलग कर दें, यूज नहीं करें, और आता है तो रिपोर्ट करें। फिर सरकार ने क्या किया, चेक्स लगाए। तो चेक्स क्या लगाए कि इंपोर्ट पोर्ट पे उन्होंने चेक लगाया कि इट विल बी चेक, कि जब कंटेनर आएगा तो कंटेनर खोल के देखेंगे एक दो सैंपल के तौर पे कि कहीं कोई ऐसा कोई अनबर्न गोला बारूद तो नहीं आ जा रहा है, तब हम आपको देंगे। तो तब से उन्होंने ये चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए। और फिर ये वाक्य मैं आपको बताऊं, करीब 17 साल पुराना है, तब से ये नहीं हुआ। अच्छा, भूषण से ही जुड़ा हुआ सवाल मेरे मन में आ रहा है। स्टील को कहा गया कि बहुत साइक्लिक सेक्टर है जी। ऑब्वियसली वी ओवर हियर इन बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर इनटू वैल्यू एडिशन, बट स्टील एज अ सेक्टर इज अ साइक्लिक सेक्टर, एंड व्हेनेवर देयर इज से स्टील प्राइस इन्हांसमेंट, सो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, फिर नया कैपेसिटी आ जाता है, और जब नई कैपेसिटी आ जाती है धीरे धीरे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, स्टील के प्राइसेस घटने लग जाते हैं, और तब तक मतलब इस बीच जब प्रॉफिट बढ़ रही होती तब लोग एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, लोन ले रहे होते हैं, नई कैपेसिटीज लगा रहे होते हैं, और जब वो सारी कैपेसिटीज फुल फ्लेज आती है तब तक मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है, प्राइसेस गिर जाते हैं, और वो लोन को जो कॉस्ट हो जाता है वो मतलब कॉस्टली हो जाता है, वो रिपे करना मुश्किल हो जाता है, कई फैक्ट्रियां बंद होती हैं धीरे धीरे, और फिर मार्केट में सप्लाई घट जाती है, फिर मतलब ये साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल, इसको कैसे तुम लोग हैंडल करते हो? दो बातें हैं। पहली बात तो हम उस साइकिल से अलग है जैसा भैया ने पहले बताया, लेकिन हमारा एक प्लांट वैसा भी है, बेसिक स्टील वाला भी है, लेकिन इस इंडस्ट्री को जिसको आपने देखा है ये एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। मैंने शुरू में शायद आधे बैच को बताया था प्राइमरी स्टील सेकेंडरी स्टील। तो प्राइमरी स्टील वो है, इसने सवाल पूछा था कि सर आयरन ओर से कुछ नहीं हो रहा है क्या? तो प्राइमरी स्टील वो इंडस्ट्री है जिसमें आयरन ओर को लिया जा रहा है और उससे स्टील बनाया जा रहा है। तो वो दो रूट से बनता है, या तो स्पॉन्ज आयरन रूट से बनता है और या पिग आयरन रूट से बनता है। ये फैक्ट्रीज कहाँ पे है? ये फैक्ट्रीज है जैसे टाटा, जिंदल मित्तल, आर्सेनल मित्तल, सेल, ये वो फैक्ट्री ये काम कर रही है और स्टील बना करके फिर स्टील का या तो बिलेट बना रही है या ब्लूम्स बना रही है, प्लेट्स बना रही है। उससे फिर सेकेंडरी स्टील, एक तरीके का सेकेंडरी स्टील मैंने आधे बैच को अंदर बताया था, एक तरीके का सेकेंडरी स्टील हो गया जिसमें वो रोलिंग कर रहे हैं, जैसे सरिया बना रहे हैं, आपने शायद काम करते फैक्ट्री जिसने नाम लिया, तो वो ब्लूम ले रहे हैं, ब्लूम से सरिया बना रहे हैं, तो उसको खींच रहे हैं, मतलब रोल कर रहे हैं, गर्म करके रोल किया, तो वो एक तरीके का सेकेंडरी स्टील है, सेकेंडरी स्टील या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आप कह सकते हैं। दूसरे तरीके का सेकेंडरी स्टील है फोर्जिंग, जो मैंने बताया था लेकिन मैं आधे बैच रिपीट करना चाहूंगा, कि जहां आप उसको गर्म कर रहे हैं और गर्म करके पीट करके ठीक कर रहे हैं। उसका एक बहुत कॉमन या बेसिक उदाहरण है कुम्हार, सॉरी लोहार, जो आप रोड साइड पे देखते हैं कि वो लोहा गर्म करता है
और लोहा गर्म करके पीटता है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फोर्जिंग। उसी को जब आप इंडस्ट्रियल रूप दे दें, वो तो एक बहुत छोटे रूप में अपने हाथ से कर रहा है, उसी को एक बहुत बड़े रूप से दे दें तो फोर्जिंग प्रेसेस वहां पे काम आती है, जिसमें इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी, आपने नाम सुना होगा भारत फोर्ज, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, रामाकृष्णा फोर्जिंग आपके जमशेदपुर की है। तो ये दो बहुत बड़ी कंपनीज है फोर्जिंग के एरियाज में। भारत फोर्जिंग इज मेकिंग ट्रक्स फॉर यूएस एंड यूएस की सबसे बड़ी ट्रक सप्लायर, ट्रक के एक्सेल्स पार्ट्स बनाती है। तो वो हो गया फोर्जिंग सेकंड, और थर्ड नाम थर्ड तरीका हो गया कास्टिंग, जो आपने आज देखा, जिसके अंदर लोहे को पिघला रहे हैं, वहां फोर्जिंग में पिघला नहीं रहा है, गर्म करके पीट रहा है, रोलिंग में गर्म करके खींच रहा है, और यहाँ पे पिघला करके आप ढाल रहे हैं। सो दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो सर आपके सामने सवाल पूछा, वैसा नहीं आता है, साइक्लिकल इंडस्ट्री नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टेंट इंडस्ट्री कि आप मेहनत करते रहिए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करते रहिए, अपना दिमाग लगाते रहिए, अपनी क्वालिटी मेंटेन करिए, अपने मार्केट को बढ़ाइए। जैसे अभी हमारा 40% एक्सपोर्ट है, टारगेट है हमारा कि हम इसको 70% तक ले जाए इन द नेक्स्ट 5 years। तो आप नए मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट्स एंड राइट क्वालिटी पे आप मेंटेन करें तो आप चलती रहे। यू आर ऑलरेडी सप्लाइंग टू सीमेंट सेक्टर, यू आर सप्लाइंग टू पावर सेक्टर इन थर्मल पावर प्लांट, एंड यू आर सप्लाइंग टू डिफेंस एंड माइनिंग आल्सो। सो इन दिस 3 or 4 सेगमेंट्स, थर्मल पावर वाज वन ऑफ योर बिगेस्ट कंपोनेंट आई बिलीव इन द पास्ट। लेकिन थर्मल पावर जो है धीरे धीरे जो है वो वर्ल्ड में एक है मूवमेंट की उनको कम करना है, सोलर और रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा मूव करना है। तो वो एक सेगमेंट है जो कि धीरे धीरे हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर जो है थोड़ा कम हो जाए। तो और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है आई कर रहा है? नहीं, अभी फिलहाल वी आर स्टिकिंग टू द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट लाइन दैट वी आर इनटू, बिकॉज जितना भी हम बना रहे हैं उतना हम सेल कर रहे हैं, फिर वट एवर वी आर अर्निंग एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लोन्स एंड सपोर्ट फ्रॉम बैंक्स वी आर एक्सपेंडिंग। तो हमें तो जितना हम बना रहे हैं उतना हम बेच रहे हैं और बेचना है। तो आवर स्ट्रेटेजी राइट नाउ इज टू फाइंड न्यूअर मार्केट्स, लाइक आई सेड माय आवर एक्सपोर्ट्स करंटली इज अबाउट 35-40% एंड वी वांट टू टेक इट टू 70-80% एंड द वर्ल्ड इज ह्यूज। 40% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट मार्केट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट प्राइमरली व्हिच प्रोडक्ट्स वी आर एक्सपोर्टिंग? ऑलमोस्ट ऑल कैटर प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज ग्राइंडिंग रोलर टेबल लाइनर और इट इज ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स और व्हील लाइनर, दिस इज आवर मेजर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, दे ऑल आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू व्हिच। व्हाट आर द कंट्रीज वेयर वी आर ऑफरिंग दिस थिंग? सो द मेजर मार्केट फॉर अस एट दिस स्टेज इज साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, अफ्रीका जिसमें जाम्बिया एक बहुत बड़ा कंट्री है मान ली, बट मोर मोर लेस द होल ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप। सो दीज आर द 3 मेजर मार्केट्स। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में भी एक पार्टनर के थ्रू हम सेल कर रहे हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट आई थिंक मुदित, क्या नाम था? मोहित मुकुल Milind. Milind was asking a question because he is doing undergraduate management. That's in this plant, I think mostly engineers must be engineering graduates must be having opportunities, career opportunities. So I answered him that probably in the finance or in the accounts and then in the human resource management, then in the marketing department, management graduates must also be getting opportunity. And definitely in the production and operation engineering and engineering plus management qualities must be required. More or less you are correct, that is how it operates. But besides engineering graduates, there are diploma holders also. और मैं एक personal level पे एक बात बोल सकता हूँ, it is not that कि एक engineering engineer का काम कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सब businessman, आप BBA कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और yes, yes, sir. ऐसा नहीं कि आप सब business management में घुस जाएंगे, हो सकता है आप में से कोई engineering line में चला जाए, और ऐसा नहीं कि engineer business management नहीं कर सकता, मैं भी पढ़ाई से लिखाई से engineer नहीं, इसलिए घंटी बजा दीजिए गलती से, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियर हूं तो मैंने बिजनेस मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं। व्हाट एजुकेशन गिव्स यू इज अ बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज, अ बेसिक सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे क्या है, मैं इंजीनियर हूं तो कोई मुझे बताता है कि सर ये ऐसे होता है, अब कोई शायद अगर जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो तो सोचेगा कि यार होता होगा, मुझे क्या पता। और क्योंकि अपन इंजीनियर तो पूछते थे ऐसे कैसे, तो अगला भी और समझाता है, और अगर आपने और समझने की प्रबलता है तो देन यू स्टार्ट गेनिंग इंटरेस्ट इन दैट एरिया। बट यस, ऑन अ रिक्रूटमेंट लेवल बेसिस, यस नॉर्मली इन द ब्रांड्स देयर आर डिप्लोमा होल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ऑन दी ऑफिस साइड देयर मोर बिजनेस। हु इज हैंडलिंग द बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट, वेदर यू आर ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ऑर्डर प्रोक्योरमेंट पार्ट, और यू हैव गॉट योर टीम विच टेक्स केयर ऑफ दिस थिंग? सो इट्स अ वेरी बिग टीम। मैंने आपको बताया कि 5 जगह प्लांट चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जगह जाके काम कर सकते हैं। वट एवर यू डू, आई थिंक यू नीड टू हैव अ वेरी गुड टीम, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल और यू कैन सक्सीड। दिस कंपनी इज हैविंग अ बोर्ड ऑफ विच देयर आर 4 वर्किंग डायरेक्टर्स, माई फादर इज द एमडी,
who started this company. I am one of the directors and I worked here for about 17 years. Mr. Sudhir Bansal is another one very senior director of ours. Mr. Rajiv Kumar is another senior director. Mr. Sudhir Bansal is in fact more senior than me. So, char directors ke baad, then we have our CFO, Mr. Somani, Mr. Madhur Kumar Sudhir Somani. Then we have our technical head, Mr. Bose. So, everybody is having experience in their own areas. वो अपने अपने एरिया के भारती हैं. हमने क्या कर रखा है, हर प्लांट के अंदर भी छोटी छोटी यूनिट बना रखी है. वैसे ही हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, जैसे एचआर के हेड है मिस्टर राकेश कुमार, प्रोजेक्ट परचेज के हेड है मिस्टर प्रदीप. हर यूनिट में हमने एक यूनिट हेड लगा रखा है. बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी है. ये चार तो मैंने वर्किंग डायरेक्टर बताया, इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी है. सो नॉर्मली ऑलमोस्ट टीम है हमारी पूरी कंपनी एम्प्लॉइज वुड बी अराउंड 500. विद वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई ऑब्जर्व that many of the employees he was calling by name. By name. Yes. So ये 500 employee की टीम है, लेकिन ये लोगों को by name बुला रहे हैं, उनको instruct कर रहे हैं. तो ये director level में बहुत बड़ी quality है. Second है कि कई एक लोग हैं जो काफी पुराने हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, जरूर बता पाते हैं. It's a mixed team है. कुछ लोग काफी पुराने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी लोग नए भी आए हुए हैं. और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं कंपनी में आया था उस टाइम भी अलग था. I joined this company 2005, तो चार कंप्यूटर हुआ करते थे और मेरा पांचवा कंप्यूटर था. मतलब जमाना अलग है. 2005 में पांचवा कंप्यूटर मेरा था. तो चारों को हमने एक हब में डाल रखा था, हब या नेटवर्क आता था. चार का स्विच आता था, तो मेरा स्विच से हट गया, मतलब नेटवर्क से हट गया था. उस वक्त कोई आईटी डिपार्टमेंट नहीं था, आईटी का कोई आदमी नहीं था. तो मैंने जो भी चार में से एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, मैंने उसको बुलाया कि बोला भाई मेरा कंप्यूटर उसमें नहीं आ रहा है, बोला सर अभी एक मिनट ठीक करता हूँ. तो वो गया, उन्होंने बोला सर ठीक हो गया. बोला हाँ हो गया. बोला कैसे किया, तो उसने बोला कि सर अपने पास चार का ही हब है, दूसरे घाटा के मैंने आपको डाल दिया. अच्छी प्रॉब्लम. ऐसे वहां से शुरू हुए, करते 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 फिर हमने एक ईआरपी इंप्लीमेंट किया कंपनी के अंदर. ईआरपी इफ यू अंडरस्टैंड इट्स अ सॉफ्टवेयर ऑन विच द कंपनी इज रनिंग. इट्स अ सॉफ्टवेयर ऑन विच द कंपनी इज रनिंग. उसमें अकाउंट सब कुछ दे रखा है, प्रोडक्शन सारा डेटा उसके अंदर रहता है. तो वो हमने इम्प्लीमेंट किया और हमने हर डेस्क पे हमने एक कंप्यूटर डाल दिया. मतलब जिसको नहीं भी आता उसको बोला कि कंप्यूटर तो आपके सामने रहेगा ही. और जैसे हमारा कैश वाउचर भी कंप्यूटर से निकलता है, हमारा चेक भी कंप्यूटर से प्रिंट होता है. तो हर जगह कंप्यूटर लगा. अब मेरे जो कैश वाउचर वाले कैशियर साहब जो हमारे हैं, ये मस्ट बी ऑफ एज 60, आई एम नॉट श्योर, देखने से 60 लगते हैं वो. लेकिन उन्होंने कंप्यूटर सीख लिया तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया एंड ही स्टिल आवर कैशियर. देयर आर मेनी पीपल जो नहीं कंप्यूटर सीख पाए. जैसे परचेज के बहुत सीनियर आदमी थे अब, लेकिन अब वो कंप्यूटर फलाई अंबे से नहीं होता. तो ठीक है, कई डिपार्टमेंट्स में कई लोग सर्वाइव नहीं कर पाए. तो इट्स अ टीम ऑफ मिक्स न्यू एंड ओल्ड. आपने देखा होगा ये जो ओल्ड गार्ड कॉन्सेप्ट होता है, तुमको कुछ असिस्टेंस मिला था क्या कि जो ओल्ड गार्ड थे उनको कि बेटा आ गया है और अपना सिस्टम लगा रहा है? देखिए सर, हर तरीके के सपोर्ट और नॉन सपोर्ट सिस्टम्स आपको लाइफ में मिलते ही रहेंगे. मतलब ऐसे भी लोग थे, जब मैं अपने पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो हमने झारखंड की फैक्ट्री लगाई ही थी, दैट वाज आवर सेकंड फैक्ट्री. तो मैं 6 महीने तो वहां पे रहा कि फैक्ट्री लग रही है, तो लगते वक्त आप ज्यादा सीखते हो. तो जब मैं सामने लग रही है, बट देन दैट्स इन द वेरी इंटीरियर पार्ट ऑफ झारखंड, बड़बिल. एंड योर बड़ा जाता है, व्हिच इज 7 किलोमीटर फ्रॉम बड़बिल. बड़बिल तो फिर भी लोग जानते हैं, बड़ा जाता और भी कोई नहीं जानता. तो 6 महीने लगातार मैं वहां पे रहा, तो प्लांट लग रहा था. जब प्लांट लग गया तो मैं यहाँ आ गया, मेरे फादर वहां चले गए क्योंकि नया प्लांट था. तो मैंने भी 6 महीने भाई बहुत मेहनत कर ली है, आपकी एज के थे. तो हम यहाँ आ गए. अब यहाँ आ गए तो ऑफिस में कोई काम ही समझ नहीं आता. मतलब मैं केबिन में, मैं रोज सुबह आता था तो सोचता था केबिन में घुसूंगा और कोई काम नहीं होगा तो बाहर से लोग देखेंगे, मतलब कर तो रहे नहीं है सेठ जी. तो उस तरह सा एक मन में डर सा लग, इतना भी काम नहीं था. बट देयर वाज सपोर्टिंग सम सपोर्टिव स्टाफ आल्सो. जैसा सर ने आपको पूछा, वो प्रॉब्लम्स लेकर के आए कि सर ये प्रॉब्लम है, और साफ तो ऐसे करते थे. तो धीरे धीरे समझ करके करते कराते सीख गए. मतलब एक इंडिपेंडेंट वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिला. जी जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि मेरे को, मतलब मेरे फादर ने भी काफी छूट दी. और उसके अलावा हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मेरी दूसरी फैक्ट्री लगी. और क्या होता था, पहली फैक्ट्री एक छोटा एंटरप्रेन्योर चला रहा होता है अपने यहाँ पे बैठ करके, मुझे सब दिख रहा है. फिर जब दूसरी लगा रहा है तो वो दिख ही नहीं रहा है, वो कहाँ है. फिर जो तीसरे शहर में लगाता है तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, क्योंकि 3 महीने में आप एक बार जा रहे हो उस फैक्ट्री, या 6 महीने में एक बार जा रहे हो. तो आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस पे आना पड़ता है, रादर देन कि क्या है सर बताइए क्या करना है, थोड़ा ऐसे कर ले, वो कैसे करना है वैसे कर ले, वैसा नहीं चलता. ये ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है, लोगों के डिफिकल्ट होता है. जैसे जैसे आप ग्रो करते हो हर लेवल मुश्किल है. कोई बोलता है कि सब शुरू में बहुत मुश्किल रहा होगा, मेरा ये मानना है शुरू में मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है और कल भी मुश्किल ही रहेगा. व्हेन आई वाज इन आईएम अहमदाबाद, व्हाट केस आई वाज स्टडीइंग, इट वाज रिगार्डिंग वन बिग फैमिली बिजनेस वेयर इन द फाउंडर हैज सेट अप द यूनिट एंड इन से फाइनेंशियल फिगर टर्म ही केम फ्रॉम 0 to 100 crore.
Now there were some old guards, some very confident, relying lieutenants who were handling the industry, pharma industry with the founder. And then his son joined. He came from college and he joined. But then those old guards who were there with the founder since the beginning, from zero, जब वो फैक्ट्री 10 लाख का काम कर रही थी तब वो जुड़े थे और अब वो 100 करोड़ की परफेक्ट कंपनी हो गई थी. अब वो बेटा ज्वाइन किया, सबसे ज्वाइन किया वो 100 करोड़ की थी. हाँ, अब जो ओल्ड गार्ड्स थे वो एक तरह से चला रहे थे, रन कर रहे थे. ही वॉज हैविंग सम डिफरेंट आइडिया, सो देयर वाज क्लैशेस एंड ऑल. सो क्वेश्चन वॉज देयर दैट वेदर द सन शुड ज्वाइन दैट 100 करोड़ यूनिट और शुड ही स्टार्ट समथिंग अफ्रेश, अपना खुद से उसको 0 से 100 करना चाहिए. क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझो, फादर ने 0 से 100 का गेम पूरा कर लिया, ठीक है. उसकी जो यात्रा है, उसकी जो जर्नी है, उसके जो चैलेंजेस है वो अलग है. और जब आपको 100 से 1000 और 1000 से 10000 करना है, उसकी जर्नी, उसके चैलेंजेस बिल्कुल अलग है. उसकी यात्रा अलग होगी, उसका स्टाइल अलग होगा, उसका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो अलग होगा, उसकी स्ट्रैटेजीज अलग होगी. और अगर वो 0 से 100 करेगा तो वो 0 से 100 ही कर पाएगा. फिर वो 100 से 1000 और 1000 से 10000 कैसे करना है वो उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है. वो यानी कि एक जनरेशन 0 से 100 करी, दूसरी जनरेशन फिर 0 से 100 ही कर पाएगी. वो 100 से 1000 और 1000 से 10000 फिर कभी वो नहीं हो पाएगा. ये कई बार लोग बोलते हैं कि अपना खुद से फ्रेश शुरू करो, तो वो फिर वही चीज सीखेगा जो फादर ने सीखा. और मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आप वेस्ट नहीं करें. आपको लगे कि नहीं नहीं तो मेरे पापा नहीं, मैं खुद कुछ करूंगा, आपको खुद कुछ करना है वो कर लीजिए. आपका मन जहां लगे और उसको आप बढ़ा सकते हैं तो उसको आप बढ़ा लीजिए. तो मेरा सोचना है, तो सर ने ये पूछा आपसे कि भाई शुरू में कैसे लोग मदद करने आए, मैंने आपको बताया लोग डिस्करेज करने भी आते हैं. जैसे आप पूछने जाओ तो सबसे पहले अपना एक्साइज में क्या होता है, मैं किसी से पूछने गया जो मेरा एक्साइज डिपार्टमेंट देखते थे उस वक्त, आजकल जीएसटी आ गया, तो उन्होंने एक्साइज का इतनी बड़ी किताब लगी, कई बार ये भी बोल देते ना कि ये सब तुम अभी छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं होगा. तो उस तरह से आपको अपनी जगह देखनी, लेकिन आप मेहनत करेंगे और कुछ देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, धीरे धीरे अपनी जगह बना लेंगे. तो क्या एक डिपार्टमेंट वाले ने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे वो मार्केटिंग वाला बता, तो मार्केटिंग आने लग गई. फिर मेरा लीगल में कोई बंदा नहीं था, मैनी केसेस पेंडिंग, तो मैंने बोला जो काम कोई नहीं कर रहा है उसको लागे करते हैं. और एक बार आप 2-3 काम अच्छे करने लगा तो लोग भी आपके पास आने लग जाते हैं कि अच्छा अच्छा यार अब तो, और धीरे धीरे यू टेक कंट्रोल. तो ऐसा होता है, इट्स अ जर्नी.